जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार ज्ञान डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए वेटनरी ऑफिसर, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर जैसे पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन आने वाली 26 अगस्त 2022 तक कर पाएंगे। 26 अगस्त के बाद लिंक डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग पशुपालन विभाग की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये वाला जो डिपार्टमेंट है, आपको पूरी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। आगे डिपार्टमेंट की फुल डिटेल बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आ चुकी है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन प्रोसीजर है। इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बेस पे आप सभी का चयन होने वाला है। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। परमानेंट सरकारी नौकरी आप सभी को मिलने वाली है, वेटनरी ऑफिसर और ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर जैसे पदों पर। इसके अलावा आपको बता दें, मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आप सभी की एज मैक्स टू मैक्स 38 साल की होनी चाहिए, तो आप सभी लोग एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, आप लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। इसके बारे में आगे और भी डिटेल में बात करेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे, कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भर सकते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। आगे की सारी जानकारी को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डेट है यहाँ पे 22 जुलाई 2022 के दिन ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, VO यानी कि वेटनरी ऑफिसर और ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर क्लास बी के यहाँ पे पदों पर आपको देखने को मिल रही है वैकेंसी, जो कि अंडर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट यानी कि पशुपालन विभाग की तरफ से यहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेंगी। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, 162 यानी कि यहां पे आपको 162 नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी। आपको सिर्फ एक ही पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है। पूरी तरह से ये गवर्नमेंट जॉब है, आप सभी को मैं पहले ही बता दे रहा हूं, गवर्नमेंट यानी कि एपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी आउट करी गई है। यहां पे आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं, नेम ऑफ दी सर्विस और पोस्ट के बारे में यहां पे बात करी गई है, जो कि वेटनरी ऑफिसर, ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर क्लास बी क्लास फर्स्ट के अंदर यहाँ पे जूनियर ग्रेड है और अंडर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी डिपार्टमेंट यानी कि पशुपालन विभाग की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। नया कोटा है EWS का, यहाँ पे उसके लिए भी वैकेंसी है। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आपको वेतन काफ़ी अच्छा मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग के अंदर ही आपको 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको 1,10,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। ग्रेड पे की बात करें तो 12,700 रुपये और ये पे बॉन्ड आपको TB4 के अंतर्गत दिया जा रहा। इसके अलावा देख सकते हैं, पे स्किल प्लस ग्रेड पे प्लस यहाँ पे अदर अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आपके एज के बारे में, 1/1/2022 से काउंट करी जाएगी, जो कि यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यानी कि अधिक से अधिक 38 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरीज को छूट भी मिलेगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 सालों का, जहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज 43 यानी कि 43 साल की होनी चाहिए, और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। अगर आप लोग PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, तो 10 सालों की छूट मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी एज लिमिट, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट, या फिर यहाँ पे HSLC
के माध्यम से आपको शो करवाना होगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे डेट्स बताई गई हैं, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन देखने को मिलेगा 26/7/2022 यानी कि 26 जुलाई से लेकर क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का मिलेगा आपको 26/8/2022 यानी कि 26 अगस्त तक का। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे वैसे तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि लगने वाला है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन चार्जेस चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बीपीएल वाले हैं उनका कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा, पीडब्ल्यूडी वालों का कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा, बस इनका यहाँ पे प्रोसेसिंग फी यहाँ पे टोटल अमाउंट 35 रुपये 40 पैसे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखें फीस जो है तो नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया नॉट बी रिफंडेड। और इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया 28/8/2022 यानी कि 28 अगस्त तक आप लोग फीस पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कुछ बताया गया है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे करेंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टोटल यहाँ पे देखें 6 पेजों का पीडीएफ है और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी गई हैं। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से आपको सारी चीज़ें और भी क्लियरली देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पशुपालन विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आगे आपको ऑफिशियल लिंक पे ले चलेंगे जहां से आप लोग आवेदन करेंगे। आखिरी डेट आवेदन करने की 26 अगस्त की होने वाली है। इन वैकेंसीज के लिए मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपको वेतन 30,000 रुपये तक यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि बढ़ के 1,10,000 रुपये तक जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ग्रेड पे के साथ अदर अलाउंस भी देखने को मिलने वाले हैं। आपकी उम्र मैक्स 38 वर्ष की होनी चाहिए और आपको भी यानी कि वेटनरी ऑफिसर के साथ ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर जैसी यहाँ पे पोस्टें देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी अपडेट मिलती रहे। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे पशुपालन विभाग भर्ती 2022 के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन तरीके से फिल करने होंगे। यहाँ पर देखें rozgargyan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस वैकेंसी की कम्प्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। कभी भी आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत हो आप लोग rozgargyan.com पे जाएं, यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल मिलेगी। टोटल यहाँ पे आपको 162 यानी कि 162 वैकेंसी मिल रही हैं, जहाँ पे आपको वेटनरी ऑफिसर और ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेंगी। बात करें आवेदन करने की डेट्स के बारे में, 26 जुलाई से लेकर 26 अगस्त 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी मैक्स एज 38 साल की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देख पाएंगे। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे पशुपालन विभाग होने वाला है। बात करें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। वेतन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, 30,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये तक आपको दिया जाएगा, साथ में ग्रेड पे के साथ अदर अलाउंस भी आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका एजुकेशन है जो कि मैट्रिकुलेशन 12th पास और ग्रेजुएट पास है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैसे आपको आवेदन करना है, तो आखिरी डेट से पहले आपको rozgargyan.com की वेबसाइट पे जाके APSC सर्च करके आवेदन कर देना है। आपका जो चयन है रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी भी करिएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग rozgargyan.com के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको इस वैकेंसी की फुल्ली अपडेट मिल जाएगी, साथ में इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और अदर भी कई सारी वैकेंसी मिल जाएंगी जिनके लिए आप लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली एक बार यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आप लोग एक नए पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आवेदन करने का पूरा हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो आप लॉगिन कर सकते हैं। बाकी आप रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, काफ़ी सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इन सारी जानकारी को आपको फिल करना है स्टेप वन के अंदर। इसके अंदर आपका फुल नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, नेशनलिटी के अंदर इंडियन रहने देना है। कास्ट अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या आप परमानेंट रेसिडेंस हैं असम के, इसके बारे में बताएंगे, स्पेशल कैटेगरी के बारे में बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट और यहाँ पे डिजायर्ड पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है जो कि 8 से लेकर 16 अंकों का होना चाहिए। इसके बाद एक ओटीपी अपनी जनरेट करनी है, इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा है, इसको यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली यहाँ पे जो आपको रजिस्टर की बटन मिल रही है रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉग इन हेयर का ऑप्शन है, लॉग इन करके आप लोग इजिली अप्लाई भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, फॉर्म भरने की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।